गाड़ी सरपट दौड़ेगी तो जिंदगी भी रफ्तार पकड़ने लगेगी। पक्की सड़क को तभी तो जीवन रेखा कहा जाता है। यह है बस अड्डा करसोग से लेकर बरल ममेल तक की सड़क, जहां टायरिंग का कार्य चकाचक किया जा चुका है। मुख्य बाजार करसोग की सड़क गत कई वर्षों से इस कदर खस्ता हाल थी कि वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल था। लेकिन स्थानीय विधायक के प्रयासों से अब इसके दिन फिरे हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता पीसी शर्मा ने कहा कि 50 लाख की लागत से बाजार में सड़क की टायरिंग का काम कर दिया गया है। विधायक हीरालाल ने कहा कि सत्ता में आते ही उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द अशोक बाजार की सड़क की टायरिंग का काम पूरा किया जाए, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। बाजार में नालियों का निर्माण भी जल्द हो जाएगा। अशोक बाजार की जो टायरिंग थी एएमपी ने, वो की जा रही है। इसकी 4 किलोमीटर की एएमपी है, टायरिंग है, कुछ 2 किलोमीटर कर दी है, बाकी की जा रही है। और नालियों का काम भी कुछ तो किया जा चुका है, बाकी जो बचता है वो किया जाएगा। 50 लाख इस पे लगभग 50 लाख का ये काम हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मेरा भी प्रयास था कि करसोग की सड़कें पक्की हो, और आज मुझे बड़ा खुशी से कहना पड़ रहा है कि करसोग बाज़ार की सड़कें हमने पक्की कर दी है। यहाँ की नालियों को भी पक्का करेंगे, और इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए, करसोग की सुंदरता के लिए जितना भी प्रयास किया जाएगा उसके लिए हम जो है प्रयासरत है। आने वाले समय में हम जो है और भी करसोग के आसपास की सड़कों को भी टायरिंग करेंगे, मेटरिंग करेंगे, ताकि लोगों के लिए इसकी पूरी सुविधा मिल सके। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।